ये है मिक्स वेजिटेबल हेल्दी वाला सूप। और मैं ये सूप हेल्दी वाला क्यों बोल रही हूँ, इसमें कौन कौन सी सब्जियाँ डली है और इन सब्जियों में क्या क्या फ़ायदे हैं, ये मैं एक एक करके आगे बताने वाली हूँ। तो वीडियो में स्किप न करते हुए अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूँ चंदा गुरुंग और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी बेस्टी में। वैसे तो आजकल काफी ठंड बढ़ रही है, तो क्यों नहीं इस बढ़ती हुई ठंड से थोड़ा सा राहत पाने के लिए मिक्स वेज सूप ट्राई करें। तो यहाँ मैंने लिया है एक मूली, एक गाजर, थोड़ा सा फूलगोभी, थोड़ा सा ब्रोकली, एक बड़ा वाला मिर्च, एक शिमला मिर्च और एक आलू और थोड़ा सा हरा मटर और एक टमाटर, थोड़ा सा प्याज पत्ती और एक प्याज और 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च। तो मैंने कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया और इसे गर्म होने पर आधी छोटी चम्मच मैंने पचफोरन डाल दिया और ये प्याज पत्ती और प्याज को हम इसे भून लेंगे। टमाटर को अभी नहीं डालना है। तो प्याज और प्याज पत्ती को अच्छी से भुनाई कर लेते हैं इसका हल्का कलर चेंज होने तक। अब हम डाल देते हैं 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन ए बी सी के साथ साथ आयरन और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। तो हमें रोज़ाना एक हरी मिर्च तो शामिल करना ही है डाइट में। तो इसकी हो चुकी है भुनाई, ये देखिए इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इतना तक ही भूनना है। अब हम डाल देते हैं सारी सब्जियों को, मैंने धोकर काट लिया है। तो ये गया मूली, शिमला मिर्च, ये बड़ा वाला हरा मिर्च, ये भी बहुत ही फायदेमंद है, ब्रोकली, फूलगोभी, ये है गाजर, सब के सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो हमें इस तरीके से सूप बनाकर ज़रूर पीना चाहिए। अब हम सभी को अच्छी तरीके से चला लेते हैं। अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरा मटर, ये भी बहुत ही फायदेमंद है। वैसे तो इसे विटामिन की बैंक कहा जाता है क्योंकि काफ़ी सारे विटामिन इसमें मौजूद हैं। अब हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। ब्रोकली में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम, आयरन के साथ साथ विटामिन ए और सी भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और शिमला मिर्च में भी विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो फूलगोभी में भी कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में होती है, कैल्शियम होती है, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये है टमाटर। टमाटर में तो आप जानते ही हैं विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है ये। और गाजर, मूली, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। गाजर में विटामिन ए होता है जो हमारे आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अब हम डाल देते हैं इसमें पानी। सब्जियों को पहले पानी डाले बगैर ही पकाना है ताकि सब्जी की अपनी पानी होता है जो खुद ही सोख लेता है, तभी हमें पानी डालना चाहिए, तो सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये देखिए सारी गल चुकी है। अब हम चेक करते हैं आलू। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, ये गाजर भी पक चुकी है। तो अब हम इसे मैश कर लेते हैं। जितने भी आलू है इसे हम मैश करके थोड़ा सा इसकी ये जो हम इस पर ग्रेवी डालने वाले हैं, सूप डालने वाले हैं, वो थोड़ा सा थिक हो जाए, थोड़ा मोटा हो जाए, क्योंकि हम इस पर
कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं डालने वाले हैं। ये हेल्दी वाला सूप है तो हम इस पर सिर्फ आलू से ही इसे थोड़ा सा ठीक करेंगे, बैलेंस रखेंगे ताकि पूरा पतला ना हो जाए। तो अब हम डाल देते हैं पानी, आप अपने हिसाब से डालिए, आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उसी हिसाब से आपको पानी डालना है। अब ये उबल जाने के बाद अब हम इसमें कटी हुई फ्रेश धनिया पत्ती डाल देंगे तो काफ़ी टेस्ट में दुगुना बढ़ जाता है ये धनिया पत्ती डालने से। तो इसे हम ढककर 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुकी है, तो तैयार है मिक्स वेजिटेबल सूप जो मज़ेदार तो है साथ में हेल्दी भी है। तो आप भी बिना किसी मसाले के इस तरीके का सिंपल और टेस्टी और हेल्दी सूप एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि आपको भी यह मज़ेदार सब्ज़ी बहुत ही पसंद आने वाला है। उम्मीद है आपको हेल्दी और सिंपल सूप की रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।